हाँ तो भाई लोग कैसे, उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे, आपकी लाइफ है नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज थिएटर में रिलीज हुई एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है कोंडा पोलम। जो मूवी है ये तेलुगु सिनेमा की तरफ से, और इसी मूवी के करने वाले हैं रिव्यू और बताने वाले हैं कि मूवी कैसी लगने वाली है, आपको कितनी पसंद आने वाली है, कितना मजा आने वाला है देखने पर, इन सभी बातों के बारे में। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। पर इस इंट्रो के बाद तो अगर पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में अगर आपको बता दें तो उसमें देखिए मिलने वाले हैं वैष्णव तेज प्लस रकुल प्रीत सिंह और इनसे लग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर। उसके बाद यार बात निकल के आती है कि क्या है इसकी स्टोरी, क्या कहानी दिखाती है हमें। तो स्टोरी फोकस करती है एक ऐसे करेक्टर पर जो बिलोंग तो एक गरीब फैमिली से करता है, पर उसे शहर में जाके एक अच्छी नौकरी करनी है, पर बेचारी की किस्मत खराब होती है और हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है हर तरीके से। फिर कुछ टाइम बाद उसे वापस अपने गाँव लौटना ही पड़ता है। लौटने के बाद उसे हो जाता है एक लड़की से प्यार, फिर कुछ उसके लाइफ में आते हैं पंगे। अब उन सब पंगों को जानने के लिए तो आपको देखना हो मूवी को, उसको तो नहीं बताऊंगा, पर हाँ ये जरूर बताऊंगा क्या मूवी को देखने आना चाहिए, क्या इसको देखना चाहिए, क्या पैसा बर्बाद करना चाहिए अपना, इन सभी सवालों का जवाब देंगे और जरूर देंगे। तो पहले बात अगर इसकी स्टोरी में कर ले तो जो पॉइंट था इसका वो अच्छा था। स्टार्टिंग थोड़ी स्लो जरूर होती है पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसके बाद कहानी इंटरेस्टिंग होते आती है और ऑडियंस को कनेक्ट करने लगती है। हाँ स्टार्टिंग सच में थोड़ा बहुत स्लो थी, पर जैसे ही 20 से 25 मिनट निकलेंगे उसके बाद स्टोरी अपने मेन पॉइंट पर आती है और कुछ ऐसा दिखाती है जो यूनिक था, अलग हटके था, कुछ अच्छा था जो इम्प्रेसिव था। साथ में जो लव स्टोरी देखने को मिलती है रकुलप्रीत सिंह और वैष्णव तेज के बीच में, वो भी चीज़ इम्प्रेसिव लगती है, पसंद आती है। दोनों कैरेक्टर उन पर सूट भी करता है, दोनों कैरेक्टर राइटिंग जो की गई है वैष्णव तेज की रकुलप्रीत सिंह की, दोनों कैरेक्टर उन पर सूट भी करता है और इम्प्रेस करते हैं दोनों, उनसे दोनों से आप कनेक्ट कर लेते हो। उनसे अलग भी जो भी एक्टर हमें देखने को मिलते हैं लगभग यार सबके कैरेक्टर अच्छे थे। साथ में जो स्टोरी के प्रेजेंटिंग का तरीका था वो भी ठीक था। उसके बाद अगर बात कर लें इसके स्क्रीन प्ले के बारे में तो लेंस तक मूवी तो यार जैसे मैंने पहले बोला कि स्टार्टिंग थोड़ा स्लो होती है, उसके बाद जैसे जैसे यार लेंस तक जाती मूवी काफी इंटरेस्ट बना चुकी होती है, पर उसके बाद जैसे लेंस के बाद मूवी की कहानी फिर चालू होती है तो उसके बाद मतलब सेकंड हाफ में तो वहां भी यार राइटर ने काफी अच्छे से ध्यान दिया है, मूवी को काफी अच्छे से लास्ट में जाके एंड किया है एक यार अच्छे मैसेज के साथ कुछ सिखाते हुए। क्लाइमेक्स से इसके ज्यादा मुझे प्रॉब्लम लगी नहीं, मूवी एक अच्छे पॉइंट पर खत्म हो जाती है सेटिस्फाई करते हुए और ऑडियंस को पसंद आते हुए। साथ में जो ट्विस्ट और सस्पेंस थे ओवरऑल मीडियम क्वालिटी के थे, ज्यादा बड़े वाले नहीं है पर वो खराब भी नहीं है, सरप्राइज करते हैं कहीं कहीं पर कहीं कहीं ना भी करते हैं। साथ में जो बैकग्राउंड स्कोर बज रहा था पूरी मूवी में वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, उसकी तो तारीफ आप करोगे और जरूर करोगे, उसमें आपको कमी देखने को ना मिलेगी। और हाँ जो मूवी में हमें कैमरा वर्क देखने को मिला है, कई सारे ऐसे सीन है जिनको देखकर आप इंप्रेस होते हो और अच्छे तरीके से उन्हें शूट किया गया है, वीएफएक्स भी यार कहीं अच्छे से यूज किया गया है। वहीं अगर बात कर ली इसमें एक्टिंग के बारे में तो वैष्णव तेज का काम अच्छा था, जिस टाइप का उनका कैरेक्टर था उस हिसाब से उनका काम काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद रकुलप्रीत थी उनका काम भी ठीक ठाक था, सबका काम यार अच्छा ही है, खराब देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल अगर बात कर ली इस मूवी के बारे में तो यार मूवी में कोई खास कमी नहीं है, आपको बोर नहीं करती है, स्टार्टिंग थोड़ा स्लो करती है पर आगे जाके अपने पकड़ बना लेती है, ऑडियंस के साथ कुछ अच्छा दिखा के खत्म करती है मूवी को और कुछ सिखा के खत्म करती है। तो चाहो तो जाके मूवी को देख सकते हो, मूवी मीडियम से प्लस में है और आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, अच्छी जगह ही जाएगा। तो अगर आपके पास लगी हो तो फिर जाके देखो, नहीं लगी हो तो ओटीटी पर आने का वेट करो। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगर रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, कुछ बोलना हो जाके बता सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।